स्ट्रेचिंग हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। स्ट्रेचिंग करने से जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है वो ओपन हो जाती है, हमारी मसल स्ट्रांग हो जाती है, साथ के साथ जो हमारी बॉडी पे किसी भी तरीके का पेन रहता है वो खत्म हो जाता है। सो गाइस, मैं हूँ आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने दोनों लेग की नी को बेंड करना है, देन हमें अपनी बॉडी को डाउन साइड ले जाना है। अपने दोनों हैंड के एल्बो बेंड करनी है, अपनी नेक को हमें डाउन करना है, हमें 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। बॉडी को अपसाइड उठाना है, देन अपने हैंड्स को अपसाइड ही रखना है, देन अगेन सेम डाउन, अगेन सेम हमें 30 सेकेंड का होल्ड करना है। Then again up, again down. सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग की नी बेंड करनी है। फर्स्ट हमें अपनी बॉडी को अपसाइड उठाना है, नेक डाउन करना है, देन हमें नेक्स्ट में हमें अपने नेक को अपसाइड उठा के बॉडी को डाउन करना है, देन अगेन सेम, देन डाउन। इसको भी हमें 30 सेकेंड तक करते रहना है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग की फुट को ज्वाइन करना है, देन अपने दोनों थाइस को ओपन करना है, देन हमें अपने दोनों लेग के थाइस को शेक करना है। अपनी बॉडी को हमें स्ट्रेट करके ही रखना है। ये भी हमें 30 सेकंड तक करते रहना है। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को अपसाइड रखना है, देन अपनी अपर बॉडी को हमें डाउन साइड यानी कि राइट साइड डाउन करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है, देन वापस लाना है सेम लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट। इसको भी हमें 30 सेकंड तक करते रहना है। सबसे पहले हमें अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जाना है, अपने राइट हैंड को हमें लेफ्ट हैंड के ऊपर रखना है, देन अपने जो राइट शोल्डर को हमें अपर बॉडी को अपने लेफ्ट साइड लेके जाना है, सेम राइट करना है। अगेन लेफ्ट, ये भी हमें 30 सेकंड तक करते रहना है।
सबसे पहले हमें अपने राइट लेग की नी बेंड करके राइट लेग को अपसाइड करना है। देन अपने लेफ्ट लेग को हमें राइट लेग के ऊपर के साइड रखना है। देन अपने दोनों हैंड से हमें अपने थाइस को पुल करना है। देन अपने बॉडी को हमें अपसाइड नहीं उठाना है, डाउन साइड ही रखना है। ये हमें 30 सेकंड तक करना है। सेम हमें अपने लेफ्ट लेग को करना है, लेफ्ट लेग को ऊपर की साइड रखना है। देन राइट लेग को भी हमें लेफ्ट लेग के ऊपर रखना है। लेफ्ट भी हमें 30 सेकंड तक करना है। अगेन राइट, अगेन लेफ्ट, इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट लेग को ओपन करके स्ट्रेट करके रखना है। देन अपने राइट लेग को हमें बेंड करके रखना है, अपने लेफ्ट लेग के नीचे रखना है अपने राइट लेग को। देन हमें अपने दोनों हैंड से अपने लेफ्ट लेग को होल्ड करना है। देन अपने हेड को हमें डाउन साइड ले जाना है, अपनी नी से टच करना है। आपको इस एक्सरसाइज को स्लो स्लो करना है, फास्ट नहीं करना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप अपने हेड से अपने नी को टच ना कर पाए, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आप इसको अपने हेड से अपने नी को टच कर पाएंगे। ये भी हमें 30 सेकंड तक करना है। देन आप सेम हमें अपने राइट लेग से करना है। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट लेग की नी को बेंड करके अप साइड रखना है। देन अपने राइट लेग को हमें बैक साइड रखना है। देन हमें अपनी बॉडी को डाउन साइड लेके जाना है। देन दोनों हैंड को अप साइड उठा के हमें अपनी बॉडी को बैक साइड करना है। स्लो स्लो करना है, एकदम से बैक साइड नहीं करना है। देन अगेन डाउन, अगेन बैक डाउन। सेम हमें अपने राइट लेग से करना है। ये भी हमें 30 सेकंड तक करते रहना है। सबसे पहले हमें अपने लेफ्ट लेग को की नी बेंड करके हमें डाउन साइड रखना है। देन अपने राइट लेग को हमें स्ट्रेट करके रखना है। देन अपने हेड को हमें डाउन साइड ले जाना है। देन अगेन डाउन, अगेन अप। ये भी हमें 30 सेकंड तक करते रहना है। सेम हमें अपने राइट लेग को करना है।
देन अप डाउन इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ओपन करना है जैसे मैंने किया है। अपने लेफ्ट हैंड को हमें लेफ्ट वेस्ट पे होल्ड करके रखना है, देन अपने राइट हैंड को हमें लेफ्ट साइड डाउन करना है, फुल डाउन नहीं करना, हाफ डाउन करना है। देन राइट, इसको भी हमें 30 सेकंड तक करना है। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को अपसाइड रखना है, देन अपने दोनों लेग को ओपन करना है। फर्स्ट हमें अपनी बॉडी को डाउन साइड ले जाना है, देन अप डाउन अगेन अप अगेन डाउन, इसको भी 30 सेकंड तक करते रहना है। नेक्स्ट में हमें अपने दोनों लेग को ओपन करके ही रखना है, दोनों हैंड से हमें अपने लेफ्ट लेग को टच करना है, नी बेंड नहीं करनी है। देन अप सेम राइट अप अगेन लेफ्ट अगेन राइट, इसको भी हमें 30 सेकंड तक करना है। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर टच करना है, देन बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है, यानी कि बैक साइड टर्न करना है। सेम राइट अगेन लेफ्ट, ये भी हमें 30 सेकंड तक करना है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ओपन करना है। आप जितने अपने लेग को ओपन कर पाए उतना ही आपको अपने लेग को ओपन करना है। राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग के टो को टच करना है, इसमें बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है। देन फर्स्ट हमें लेफ्ट साइड डाउन होना है, देन वापस आना है, सेम राइट को भी 30 सेकंड तक करते रहना है। गाइस, अब मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसको करने के बाद अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं करूँगी सेम आपको फॉलो करना है, ना ही इस एक्सरसाइज को आपको फास्ट फास्ट नहीं करना है, स्लो स्लो करना है, ना ही इसको आपको गलत एक्सरसाइज करनी है, सेम आपको मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को अपने शोल्डर पर रखना है, दोनों शोल्डर पे। फर्स्ट हमें अपने नेक को लेफ्ट साइड डाउन करना है, फास्ट नहीं करना है, स्लो स्लो करना है, देन वापस लाना है, देन राइट अगेन लेफ्ट अगेन राइट, इसको आप 10 to 15 के अराउंड कर सकते हैं।
बट फास्ट नहीं करना है। नेक्स्ट में आपको अपने नेक को डाउन करना है, देन अप, अगेन डाउन, अप, डाउन। नेक को पूरा आपने लेफ्ट साइड टर्न करना है, देन वापस लाके राइट, अगेन लेफ्ट, अगेन राइट। नेक्स्ट में हमें अपने नेक को रोल करना है। फर्स्ट हमें लेफ्ट साइड रोल करना है, स्लो स्लो करना है, फास्ट नहीं करना है। देन वापस लाके हमें राइट साइड रोल करना है। इस एक्सरसाइज को आपको स्लो स्लो करना है। अगेन स्टार्टिंग से करते हैं, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, अगेन लेफ्ट, राइट, देन नेक डाउन, फ्रंट डाउन, देन अप, बैक साइड, डाउन एंड बैक, लेफ्ट साइड टर्न, राइट, लेफ्ट, राइट, देन टर्न करना है। आपको सेम मेरी तरह करना है, सेम आपको मुझे फॉलो करना है। अगर आप मेरी इन एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आपको नहीं है तब भी करते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, जो आज मैंने आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसको वार्म अप की जगह ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी को काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज मैंने जो आपको करवाया है अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में, अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड आज के लिए इतना ही। मैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।